हेलो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू अदर न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 और आज है सैटरडे और आज रहता है टोटल लॉकडाउन। तो आज अपन को मिला है सोने का पूरा पूरा टाइम और बस अभी नींद खुली है, चलते आगे करेंगे ब्रेक। चीज़ और बची है वो है दिखाते हैं वो है ये। तो अब बस हम फटाफट से चाय पी के पूरे अच्छे से एकदम फ्रेश हो के आप लोगों से मिलते हैं। तो यार सबसे पहले आज अपन को दो तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है तो सबसे पहले उसको निपटाएंगे। पहला काम है कैंडी के लिए एग्स लाना, क्योंकि कैंडी बिना एग्स के खाना खाएगी नहीं। मैं बस फटाफट जाता हूँ और कैंडी के लिए एग्स लेके आता हूँ। ज़्यादा दूर तो है नहीं दुकान, बगल से दुकान है, बगल से दो चार दुकानें छोड़ के लेके आता हूँ। फिर देखते हैं सेकंड काम क्या है। ये एग्स ले आया हूँ, ये दे देते हैं अपन अंदर ताकि कैंडी के लिए ये एग्स हो जाए बॉइल। और उसके बाद चलते हैं ऊपर। ये अंडे ले आ मम्मी, ये कैंडी का अंडा ले आया हूँ। तो ये इसको रखेंगे अपन ये यहाँ पे, पहले के भी दो तीन अंडे रखे हुए हैं शायद चार। हाँ तो अब सेकंड काम नेल्स काटने का, क्योंकि 15-20 दिन और नील्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो हम बस नील्स काटते हैं आपके सामने। तीसरा काम आज का सुबह से है, हम कैंडी को नहलाना है। अभी तो खैर लाया हूँ कैंडी को टहलाने एंड उसके बाद नहलाएंगे और फिर मिलते हैं। तो अब मैं हो गया हूँ एकदम रेडी, नहा धो के और आ गया हूँ छत। शाम के बज रहे हैं 5:30 और काफ़ी अच्छा मौसम है, सूरज ही बस डूब ही रहा है। एंड ये हमारा टोटल लॉकडाउन, बहुत दिनों बाद ये वाली छत पे आया हूँ मैं। एंड ये जो झूला दिख रहा है इसका हार ये बिल्लियों ने किया है, पूरा ख़त्म हो चुका है। एंड ये हमारा टोटल लॉकडाउन, रोड्स पूरी खाली। एंड हाँ
सवाल ये है कि मैं इतने दिन से गायब कहाँ था, मतलब बीच में मेरी 4-5 वीडियोस कंटिन्यू आई हैं एंड इसके बाद मैं चले कहाँ गया। तो सोचा तो था कि डेली ब्लॉग्स करेंगे लेकिन क्यों नहीं कर पाए, इसका रीज़न मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। तो इसका रीज़न ये है गाइस कि मेरे घर पर थी शादी, मेरे घर पर थी मेरे भाई की शादी, बड़े वाले भाई की, इसीलिए 4-5 दिन अपन ने ब्लॉक किया। उसके बाद काम आ गए शादियों के, लॉकडाउन वाली शादी थी तो और ज़्यादा प्रेशर था, जैसे तैसे वो सब मैनेज हो गया है। देन अभी जाके अपन एक दो दिन रेस्ट, 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद अभी जाके अपन फ्री हो गए। एंड उसके बाद सुबह सुबह अभी तक खुलता था मार्केट, तो थोड़ी बहुत शॉप वगैरह चल भी जाती थी, लेकिन आज से जो गाइडलाइन आ चुकी है तो कल से मतलब मंडे से अपन शॉप भी नहीं खोल सकते क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। अब फिर से अपने लिए अच्छा टाइम आ गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि डेली ब्लॉग्स फिर से करेंगे। एंड कल 2 मई को अपनी पहली वीडियो आई थी पिछले साल यूट्यूब पे, कल अपन को यूट्यूब पे 1 ईयर एनिवर्सरी हो जाएगी, तो कल की स्पेशल वीडियोस देखते हैं कैसे क्या। आज रात में जो भी एडिट होता है, कल एक वीडियो और आएगी गाइस, मतलब कल एक मे भी कल 2 आ सकती है, देखते हैं कल कैसा क्या होगा। रीज़न यही था कि मैं इतने दिन से गायब क्यों था, मुझे खुद ही अच्छा लगने लगा था डेली ब्लॉग करते करते, एंड हो गया अब फिर से करेंगे डेली ब्लॉग, फिर से ग्रोथ होगी और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। एंड आप लोगों के सपोर्ट से आज मेरे 428 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आशा करता हूँ कि ऐसी सपोर्ट आप बनाए रखेंगे तो आगे जाके जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं। बस थोड़ी बहुत यही थी अपनी बातें। तो देखते ही देखते बज गए हैं शाम के 7:30 और यार कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाएंगे मैगी, यार मैगी बनाएंगे क्योंकि और कुछ तो बनाते बनता नहीं है, तो बनाते हैं मैगी। इसको बनाने के लिए इसका वो कहाँ है यार, एक फ्राई पैन वगैरह कहाँ इसमें रहता है मम्मी? किसमें रहता है? इसमें बनाइए। और लाइटर चलो मिल गया, मिल गया। चिमनी चालू करना है, चिमनी की जरूरत नहीं है, कर लो आगे रहने दो, चलो कर ही लेते हैं। तो मैगी बनाते हैं। बन चुकी है हमारी गर्मा गर्म, 2 मिनट में मैगी बन गई है, हम इसको खाएंगे। बहुत गर्म है, हाँ हाँ हाँ